हेलो दोस्तों, क्या आप नकारात्मक ऊर्जा और संगत से घिरे हुए हैं, या फिर आप अपने लक्ष्य को अपना जीवन उद्देश्य बनाने से डरते हैं, या फिर बार बार मिली हुई असफलता से आप निराश हो गए हैं? दोस्तों, अगर इन सब बातों से या फिर इन सब प्रश्नों से अगर आपका मन व्यथित हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ज़रूर आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ मोनिश, आपका युवा सारथी एम्पावरिंग यूथ माइंड से, जहाँ पे हम 50 नए युवा लीडर और एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप एक 20 वर्ष के युवक होना यह अपने आप में ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप थोड़े समझदार युवक और युवती के रूप में देखे जाते हैं। आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आकार देते हैं यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 ऐसी चीज़ें जो हर 20 वर्ष के युवक की तकदीर बदल देंगी। खुद को सही लोगों के सानिध्य में रखने की आदत। दोस्तों, आप किसके साथ अधिक समय बिताते हैं यह गौर करने वाली बात है। दोस्तों, हमें अक्सर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कौन हमें सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है और कौन हमें सकारात्मक ऊर्जा से दूर कर रहा है। अपने दोस्तों को सावधानी के साथ चुनें। वे उस वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें या तो आप ऊंचे विचारों से प्रेरित होकर खुद का विकास करने में लग जाते हैं, या फिर अयोग्य संगत के कारण खुद को अपने जीवन उद्देश्य से दिशाहीन पाते हैं। इंटरनेशनल लेखक और प्रेरक वक्ता जिम रॉन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप अधिकतम समय बिताते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोग और दोस्तों के सानिध्य में रहें जो आपके क्षेत्र से संबंधित हैं। उनके लगातार मिलने वाले मार्गदर्शन से आप सफल और अधिक प्रभावशाली बनते हैं। अगर आप प्रभावशाली युवा बनना चाहते हैं तो इस लेख के अंत में दिए हुए लिंक को फॉलो कीजिए। जोखिम लेने और विफल होने से ना डरें। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्रयास और जोखिम लेने, कई बड़ी सफलता यह बार बार मिली हुई असफलता और लगातार कोशिश के कारण मिली है। तब तक प्रयास जारी रखना होगा जब तक आप उसे सही ढंग से सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके पर डटे रहे। रास्तों में कई सारे आलोचक मिलेंगे जो आपको उनकी बातों से भटकाने और आपको निराश करने या फिर आपके अभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों पर ध्यान ना दें। जब आप सफल हो जाओगे तब यही आलोचक आपके प्रशंसक बन जाएंगे। जिंदगी में लक्ष्य रखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो मुझे मेरे गुरु ने 9 साल पहले पूछा था। आप किसी ऐसे बस में बैठने का प्रयास करोगे क्या जो बस कहा जाती है उसका अंतिम स्थान क्या है यह आपको भी पता नहीं? यह प्रश्न का उत्तर मैंने साफ साफ शब्दों में नहीं कहकर दिया था। दोस्तों, अगर हम किसी ऐसे बस से सफ़र करने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर अपने जीवन को बिना लक्ष्य और जीवन उद्देश्य के अलावा कैसे बिताओगे? दोस्तों, आपको एक बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखने की आवश्यकता है। अगर आपको सफल होने की तीव्र इच्छा है तो आपके पास एक जीवन उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी में रुचि है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल वर्सटाइल एडुकेट सिस्टम और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसी तरह युवकों को सक्षम बनाने के लिए हमारे Facebook ग्रुप एम्पावरिंग यूथ माइंड से जुड़े रहे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।